I welcome you to my channel IGM & Tech. तो आज हम बात करेंगे Xiaomi के MI A2 के बारे में जो कि ग्लोबली लॉन्च हुआ है और करेंगे इसका कंपैरिजन हम Xiaomi के Redmi Note 5 Pro के साथ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हम जो पहला कंपैरिजन लेंगे वो लेंगे हम नेटवर्क टेक्नोलॉजी के बारे में. तो Xiaomi के Redmi Note 5 Pro में जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ करती है GSM, HSP और LTE, जबकि Xiaomi के MI A2 में है GSM, CDMA, HSP और LTE. ये 2G, 3G, 4G तीन बैंड्स पे काम करता है दोनों फ़ोन. जो Note 5 Pro है उसकी जो लॉन्च डेट थी वो फरवरी 2018 की थी और जो ग्लोबली लॉन्च हुआ है Xiaomi का MI A2 वो उसकी अनाउंसमेंट जुलाई 2018 में आई थी. तो लॉन्च 8 अगस्त को हो गया वो. तो अब हम इसके डायमेंशन के बारे में बात करते हैं. इसका जो Note 5 Pro है उसका जो वेट है वो है 181 ग्राम्स का. अगर कंपेयर करेंगे दोनों का वेट तो MI A2 जो है वो इससे थोड़ा हल्का है, 166 ग्राम्स का मिलता है. बोथ की बिल्ड क्वालिटी सेम है, एल्युमिनियम बॉडी है दोनों में और फ्रंट में ग्लास दिया हुआ है. बात करते हैं Note 5 Pro में जो डिस्प्ले मिलता है आपको, वो मिलता है IPS LCD कैपेसिटिव टच स्क्रीन 16 मिलियन कलर्स के साथ. और MI A2 में आपको मिलता है LTPS IPS LCD कैपेसिटिव टच स्क्रीन. तो जो ये MI A2 में आपको LTPS LCD मिलता है उसका मतलब है लो टेम्परेचर पॉलीसिलिकॉन LCD, जो कि बहुत ही एक्टिव मैट्रिक्स LCD स्क्रीन है जो बहुत ही फास्टर है और मोर इंटीग्रेटेड है जो कि नॉर्मल स्क्रीन है जो एमॉर्फस सिलिकॉन सबस्ट्रेट से बनता है. आइए अब इसके स्क्रीन साइज़ के बारे में बात करते हैं. जो इसका स्क्रीन साइज़ है वो दोनों में 5.99 इंचेस का है, वो बिल्कुल सेम है. और रेजोल्यूशन भी इनका दोनों का सेम ही है, 1080x2160 दोनों में ही मिलता है आपको. 403 PPI डेंसिटी है इनकी. मल्टी टच स्क्रीन दोनों में है. और जो Note 5 Pro में आपको मिलता है प्रोटेक्शन का वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास है और उसका अभी कंफर्म है नहीं, इसमें भी शायद हो सकता है, इसकी हम उम्मीद कर सकते हैं. तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है Note 5 Pro में 7.1.2 नोगट मिलता है एंड्रॉयड का और आपको MI A2 में जो है 8.1 ओरियो मिलेगा. एंड्रॉयड 1 स्टॉक एंड्रॉयड है. जबकि अब इसका जो चिपसेट है वो है कॉलकॉम SDM636 स्नैपड्रैगन 636 इसमें यूज़ किया गया है और MI A2 में कॉलकॉम SDM660 उसमें 636 और MI A2 में 660 स्नैपड्रैगन यूज़ किया गया है. CPU है इसका ऑक्टा कोर 1.8 GHz जबकि MI A2 में है ऑक्टा कोर 2 GHz का. GPU जो है Note 5 Pro में वो है Adreno 509 का और MI A2 में है Adreno 512 का. इंटरनल मेमोरी जो है Note 5 Pro की वो 64 GB है जो कि 4 GB RAM और 6 GB RAM के वेरिएंट में आते हैं दो. और जो ग्लोबली लॉन्च हुआ है MI A2 वो मिलता है आपको 128 GB के वेरिएंट में भी 6 GB RAM के साथ, 32 GB और 64 GB 4 GB RAM के साथ भी. कैमरा की बात करेंगे हम, जो MI A2 है MI A2 में आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल और ड्यूअल कैमरा इसमें आपको मिलते हैं 12 मेगापिक्सल और 20 मेगापिक्सल का. और MI Note 5 Pro में आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का. मेगापिक्सल का तो बड़ा खासा फ़र्क है इनमें. फीचर्स में है इस पे आपको Note 5 Pro में आपको मिलता है ड्यूअल LED फ्लैश पैनोरामा, HDR मोड और सेम आपको मिलता है Note MI A2 में भी ड्यूअल LED HDR पैनोरामा.
वीडियो तो ये 1080 फ्रेम्स पे चला लेता है, दोनों में सेम ही है। अब सेल्फी कैमरा की बात करेंगे हम, दोनों में 20 मेगापिक्सल का मिलता है विद LED फ्लैश, वो भी 30 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से वीडियो उठा सकता है। साउंड में है, इसमें आपको मिलता है लाउड स्पीकर, दोनों में मिलता है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन और डेडिकेटेड माइक भी है दोनों में 3.5mm जैक के साथ। आइए अब थोड़े से और फीचर्स की बात करेंगे हम, वो है सेंसर्स की अगर बात करेंगे हम, तो दोनों में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है रियर माउंटेड जो है, एक्सलरोमीटर, गायरो प्रॉक्सीमीटर, प्रॉक्सीमिटी और प्रॉक्सीमिटी सेंसर की, और कंपास भी आपको मिलता है। नोट 5 प्रो की हम बात कर रहे हैं, उसमें आपको जो कलर्स मिलेंगे वो है ब्लैक मिलेगा, गोल्ड, रोज़ गोल्ड और लेक ब्लू, और MI A2 में आपको मिलेगा ब्लैक, गोल्ड, ब्लू, रोज़ गोल्ड एंड रेड। तो बैटरी की बात करेंगे हम, नोट 5 प्रो में आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है लिथियम आयन की, और MI A2 में बैटरी थोड़ी सी कम मिलेगी आपको 3000 mAh की। तो ये थे दोनों के फीचर्स और दोनों में क्या क्या डिफरेंस है अब आप जान ही गए होंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय।